हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड डायरीज बाय निशा। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही चोया चंक्स की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। इसके अंदर मैं अनियन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 4 से 5 अनियन लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। एंड अब मैं इसे 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक करूँगी, जब तक ये लाइट हो जाए कलर में। एंड देन इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड किया है। 2 ग्रीन चिली हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। फिर इसे भी 2 मिनट तक चलाने के बाद इसमें टमाटो ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ 3 मीडियम टमाटो लिए हैं, इन्हें भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, बिकॉज इसे ग्राइंड ही करना है बाद में। एंड ये डालने के बाद मैंने फिर से इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक किया। एंड फिर फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। एंड फिर हम रेडी करेंगे इसकी ग्रेवी। तो यहाँ मैंने फिर से 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है। एंड इसके अंदर मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ज़ीरा ये लिया है। एंड जब तक इसे अच्छे से मिक्स किया। एंड मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि ये बर्न ना हो। एंड अब इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने सोया चाप मसाला लिया है 1 टीस्पून, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली लिया है एंड 1/2 टेबल स्पून ही गरम मसाला लिया है। उसके साथ ही मैंने सोल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड किया है। एंड अब मैं इस मसाले को अच्छे से पानी में मिक्स कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे ऑयल में डालूँ तो ये बर्न ना हो। तो इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसे ऑयल में डाला एंड इसे कुछ देर के लिए अच्छे से चला लिया ताकि ये बर्न भी ना हो। एंड ऑयल, जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद मैंने जो अनियन टमाटो का मसाला ग्राइंड करके रखा है, मैं उसे इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। एंड अब मैं इसके अंदर अनियन टमाटो का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए चलाऊँगी। एंड उसके बाद इसमें कैश्यू का पेस्ट ऐड करूँगी। तो मैंने 5 से 10 कैश्यू को सॉक करके रख लिया था 1 से 2 आवर के लिए। एंड उसके बाद उसे मिल्क एंड वाटर के साथ ग्राइंड कर लिया। तो इसका एक क्रीमी पेस्ट रेडी हो गया। तो ये 2 टेबल स्पून कैश्यू पेस्ट है जिसे मैंने ग्रेवी को थिक करने के लिए इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए इसे और पकाया। एंड इसके बाद मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी। तो मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, उसके साथ ही मैंने 1/2 कप वाटर लिया है। तो मिल्क को मैं अकेला ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो ग्रेवी में फट सकता है। तो मैं दोनों चीज़ें साथ में ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप मिल्क, 1/2 कप वाटर। एंड इसको ऐड करने के बाद इसे कॉन्टीन्यूसली स्टिर करना है ताकि ये ग्रेवी फटे नहीं। तो 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अब इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, सलकटा स्वीट टेस्ट देने के लिए। एंड उसके बाद मैंने इसमें 1 कप सोया ऐड किया है। तो सोया को मैंने यहाँ सोक कर लिया था हॉट वाटर के अंदर। एंड बस उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक किया। इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाला एंड ये रेडी हो गया शाही सोया। बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है, प्लीज़ ट्राई करना। बाय गाइस।